Hey guys, welcome back at U&I Automobiles. मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। अगर आपका एक नई मिड साइज SUV को लेने का प्लान है तो I would request आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, बिकॉज आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी लॉन्च होने वाली है ऑल न्यू Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल 2024। गाड़ी पहले इस साल के एंड में ही लॉन्च होने वाली थी, बट Hyundai ने डिसाइड किया कि वो इसकी लॉन्चिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें आगे के लिए, बिकॉज गाड़ी की टेस्टिंग अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है इंडियन टेरेन के अंदर। इसके अलावा गाड़ी आपकी ऑफिशियली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहले से ही आ रही है। फ्रंट स्क्रीन पे आपके सामने पेश है गाड़ी का ऑफिशियल वीडियो, यहाँ से आपको गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के मोटे मोटे डिजाइन एलिमेंट दिख जाएंगे। गाड़ी की अगर हम चेंजेस की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है बिल्कुल वो चेंज कर दिया गया है कंपेयर टू आपके एग्जिस्टिंग मॉडल से। गाड़ी का जो अभी नया मॉडल आपका आएगा वो रहेगा इंस्पायर्ड Hyundai Tucson के एग्जिस्टिंग मॉडल से, यानी कि आगे से गाड़ी का जो आपको DRL है वो मिल जाएगा आपको ग्रिल के ऊपर इंटीग्रेटेड, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्पेशली नाइट में जब गाड़ी आपकी सारी हेडलाइट्स वगैरह ऑन होके स्टार्ट होके चलती है तब। इसके अलावा गाड़ी के अलॉय व्हील्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। Hyundai का मानना है कि गाड़ी का जो एग्जिस्टिंग व्हील है अलॉय व्हील है इस मॉडल के अंदर जो भी आ रहा है मार्केट के अंदर वही काफ़ी अच्छा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए Hyundai ने अपने आने वाले मॉडल के अंदर अलॉय व्हील से कुछ खास छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझा। गाड़ी के अंदर अगर मैं इनहेंस सेफ्टी फीचर की बात करूं तो गाड़ी के अंदर आपको आगे से मिल जाने वाला है 360° कैमरा जो आपको पूरा प्रॉपर सराउंड व्यू प्रोवाइड करेगा। बैक साइड अगर हम रियर साइड की बात करें गाड़ी के तो कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, हल्का सा जो DRL है आपकी इनहेंस कर दी गई है। DRL मतलब मैं फ्रंट की बात नहीं कर रहा, टेल लाइट की बात कर रहा हूँ। टेल लाइट के अंदर भी आपकी LED लाइट्स हैं उनको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया गया है। इसके अलावा आपको हल्का सा रेड क्रोम एलिमेंट मिल जाएगा एट द रियर साइड ऑफ द व्हीकल। इसके अलावा गाड़ी के अंदर इनसाइड द कैबिन आपको मिल जाने वाले हैं थोड़े से बेटर इंटीरियर एंड आपके जो अपोलिस्ट्री है वो आपको बेटर क्वालिटी की मिलेगी। गाड़ी में आपको एक दो नए कलर मिलने के ऑप्शन की उम्मीद है जो कि अभी ऑफिशियली Hyundai ने रिवील नहीं किया है, बट इतना कन्फर्म्ड है एक दो नए कलर ऑप्शंस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। गाड़ी की कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो गाड़ी कॉम्पीट करती है किया सेल्टोस के साथ में जो इसकी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है। इनके अगर आप देखोगे सेल्स फिगर्स भी तो एकदम कांटे की टक्कर रहती है, किसी किसी महीने में सेल्टोस आगे रही है एंड मैक्सिमम महीनों के अंदर आपकी Hyundai Creta आगे रही है। इसके अलावा ये गाड़ी और कॉम्पीट करती है आपके टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के अंदर। अर्बन क्रूजर हाईराइडर अकेली गाड़ी है जो आपको हाइब्रिड के अंदर मिलती है, बाकी आपके किया सेल्टोस में एंड आपके Hyundai Creta के अंदर हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं आता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अच्छा खासा आपका अभी कस्टमर बेस बना हुआ है Hyundai Creta को लेकर के, किया सेल्टोस को लेकर के। जिनको ये गाड़ियाँ पसंद है वो ऑब्वियसली माइलेज की तरफ नहीं जाएंगे, वो इस गाड़ी की तरफ ही जाएंगे, बाकी जिनको माइलेज पसंद है वो क्रूजर हाईराइडर की तरफ जा सकते हैं। मैं अगर बात करूं गाड़ी के इंजन की तो गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसके अलावा आपको मिल जाने वाला है 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, गाड़ी की जो प्राइस है आपकी वो 30 से लेकर के 50,000 रुपये तक एक्स शोरूम बढ़ जाने वाली है, बिकॉज साल दर साल हर एक ऑटोमेकर गाड़ी के प्राइस को बढ़ाता ही है एंड जैसे ही एक नया फेसलिफ्ट लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा। अब मान के चलो अभी तो अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम था तो आपको हल्के से पैसे बढ़ाने पड़ेंगे 30,000 से लेकर के 50,000 तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट एंड ट्रिम लेने वाले हो Hyundai Creta फेसलिफ्ट का, बट ये हल्का सा प्राइस आपको गाड़ी का बढ़ के मिल जाने वाला है। एक खास बात और इन टर्म्स ऑफ एनहेंस्ड सेफ्टी फीचर, गाड़ी के अंदर आपको मिल जाने वाला है ADAS का फंक्शन। ADAS स्टैंड फॉर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अब ये डिपेंड करेगा, देखने वाली बात रहेगी कि गाड़ी के अंदर आपको किस लेवल का ADAS मिलेगा। अगर आपको XUV700 की तरह मिलने वाला है लेवल 2 या लेवल 3 टाइप का, तो यहाँ पे आपका जो ADAS का फंक्शन है वो आपको बताएगा लेन कीप असिस्ट, यानी कि अगर आप लेन चेंज करोगे तो भी आपको असिस्ट करेगा। आपके सामने कोई व्हीकल जा रहा है, आपकी स्पीड फास्ट है और आपका ADAS अनेबल्ड है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली व्हीकल के सामने वाले व्हीकल के पास आते ही आपकी स्पीड भी कम कर देगा। तो ADAS मिलना कन्फर्म्ड है बट किस लेवल का मिलेगा वो भी कन्फर्म नहीं है। तो मोटे मोटे चेंजेस की बात करूँ, गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल चेंज है Hyundai Tucson पे इंस्पायर्ड है, ग्रिल के ऊपर इंटीग्रेट होकर आपको DRL मिल जाएगा, रियर साइड की प्रोफाइल में हल्का सा रेड आपको एलिमेंट मिल जाने वाला है, बेटर अपोलिस्ट्री मिलेगी आपको इनसाइड द कैबिन, ADAS का फीचर मिल जाएगा एंड आपको मिल जाएगा 360° कैमरे का फंक्शन। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, आगे जैसे जैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आपको मैं देता जाऊंगा अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह, यार से सब्सक्राइब के बटन पे टिक कर लीजिए एंड हाँ बेल आइकन पे टिक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।